चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है यार, इसलिए हम कह रहे हैं रचना ये मेगा बुलेटिन है। मेगा बुलेटिन इसलिए क्योंकि आज चुनाव के लिहाज से बड़ा दिन था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की, उसके बाद लगातार अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मध्यप्रदेश बीजेपी में अब तक 136 नाम घोषित किए गए। आपको बता दें चौथी लिस्ट में 57 प्रत्याशियों की आज घोषणा हो चुकी है, यानी एक और चुनाव आयोग आज चुनाव की तिथियों की घोषणा की है, दूसरी ओर यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान हुआ है। बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी जैसे इंतजार ही कर रही थी कि इलेक्शन के डेट सामने आएंगे और तुरंत ही प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ये हरदा के तस्वीरें देख रहे हैं हमारे जो दर्शक है प्रत्याशी, यहाँ पर घोषित होने के बाद कमल पटेल किस तरीके से जश्न मना रहे हैं समर्थकों के साथ, और ये तस्वीरें जगह जगह से सामने आई है। रचना, ये कमल पटेल है हरदा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद, जश्न का माहौल देखे किस तरीके से उनके समर्थक उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें जो हैं वो IBC24 आप तक पहुंचा रहा है, इलेक्शन कमीशन की PC से लेकर बीजेपी की चौथी लिस्ट मध्य प्रदेश के लिए, दूसरी लिस्ट छत्तीसगढ़ के लिए, वहां से लेकर प्रत्याशियों से बातचीत, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं, सभी कुछ IBC24 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। और मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि एक ही चरण में चुनाव होने हैं, 17 नवंबर को चुनाव। कमल पटेल से चर्चा की हमारे संवाददाता ने। भाजपा के प्रत्याशी कमल पटेल जी, जिनको छठवीं बार टिकट मिला है जी, आपको कैसा लग रहा है? आपको छठवीं बार टिकट मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखो कि कार्यकर्ताओं में जुनून है, जनता में जुनून है, ये कोई बुला के नहीं आए, एकदम जैसे ही पता लगा सब पूरे आ रहे हैं। तो ये हरदा की जनता की आवाज है। कमल पटेल और हरदा एक दूसरे का पूरक है, कमल पटेल और भाजपा एक दूसरे के पूरक है। कमल पटेल के लो या भाजपा के लो, एक ही बात है, क्योंकि हम एक दूसरे के अंदर लीन है। 24 घंटे पार्टी के लिए जनता को, जनता भी कमल है, कमल ही जनता है। इस बार जनता के लिए नया कह रहे हैं, और इसलिए जनता के दिल की बात पार्टी ने मानी, और 7वीं बार मुझे मर विश्वास करके पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मैं पार्टी को रिकॉर्ड वोट से जीत कर हरदा की विधानसभा सीट भाजपा की झोली में डालूंगा, भाजपा की सरकार बनेगी और 200 से अधिक सीट भाजपा जीतेगी। सर, बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाजपा में भी दगाबाजी हो जाएगी, कोई दगा, जनता जिसके साथ हो, जनता जिसकी कार्यकर्ता हो, बच्चे से लेकर पैदा होकर बच्चा बोलना सीखता तो कमल पटेल बोलता है, बुजुर्ग जाते जाते भी कमल पटेल की याद करता है, इतना हमने दिल जीता है, तो कोई दगाबाजी कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए मैं इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त कराऊंगा। ये तो हमारे साथ में पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल और भाजपा के प्रत्याशी, जिन्होंने हमें बताया है कि ये भारी मतों से विजय होंगे और कांग्रेस की जमानत जब्त कराएंगे। IBC24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।